नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज चैनल नेतानगर 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कांग्रेस पिछले 7 दशकों से भारत देश में राज्य करने वाले कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी रही है, और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उनके हाथ में जो बागडोर दी गई थी वो पिछले 2014 तक कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके राजीव गांधी जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, इतने बड़े बड़े नेते हमारे प्रधानमंत्री हमारे कांग्रेस के पक्ष में होके गए, लेकिन इसके बाद आज क्या परिस्थिति है कि कांग्रेस पिछड़ते जा रही है, और राहुल गांधी जी जो अपना प्रेजेंटेशन है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इस सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ माजी आमदार अशोक जाधव जी हैं जो पिछले 2 बार आमदार रह चुके हैं। सर, तुमसे हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पिछले 7 दशकों से हमारे देश में बहुत अच्छा राज कर रही थी, लोगों की सेवाओं में हमेशा उनका काम चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ सर कि आज कांग्रेस पिछड़ते ही जा रही है? जैसे आपने कल देखा, हमारे को उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए उसमें बहुत सिर्फ 3 सीट आना बहुत एक प्रश्न चिन्ह है सर, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा है कि काफ़ी समय से यूपी में कांग्रेस की भागदौड़ बहुत कम हो चुकी है। जब नारायण दत्त तिवारी थे वो तीन टर्म सीएम थे यूपी के, लेकिन अभी ऐसा है कि अभी युद्ध जो चल रहा है वो लोकशाही का नहीं चल रहा है, वो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे चल रहा है, और इसी में राजनीति चल रही है। हकीकत अगर देखने जाओ यूपी की, योगी जी के ही समय में कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा हजारों लाशें गंगा में बह रही थी, जबकि इशू इन्होंने यही किया था कि गंगा को हम पवित्र करने जा रहे हैं। मैं हमारे पीएम साहब ने कहा कि मैं गंगा पुत्र हूँ, लेकिन उसी गंगा को इन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए, हजारों लाशें उस गंगा में बह रहे थे, जबकि उसको पवित्र करना तो रह गया बाजू में, क्लीन करना भी रह गया बाजू में। लाशों को लोगों ने और मीडिया ने कई बार दिखाया और हकीकत दिखाया, ऐसी कोई झूठ बात नहीं है। तो यूपी के अंदर वो माहौल जो बना था कि जो लाशें आ रहे हैं तो उसका असर लोगों के ऊपर हुआ था। वैसे आपने देखा होगा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसानों का जो मेलावा लगा था उसमें भी पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान थे, और उन्होंने जो हकीकत बताई वो तीनों कानून इनको वापस लेना पड़ा। और आपने देखा होगा कि जब कोरोना समय में गैस की शॉर्टेज के, ऑक्सीजन के शॉर्टेज के वजह से कई बच्चियों की जान चली गई, तो इस पूरी हालत के बावजूद यूपी के अंदर 274 सीट आई है, तो ये सोच के बाहर की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा मायावती एक समय में वहां की सीएम दो बार रह चुकी है, और आज एक सीट मायावती को दिखाया जाता है, और वो सब कारण यही है कि जो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास जो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट है, जो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, उसको यूज करके सभी स्टेट के अंदर जो बड़े बड़े नेता है उनको उनके घर में बिठाया जाता है। आपने देखा होगा मायावती का स्टेटमेंट भी नहीं बाहर आया, और जो भी हालत आपने देखी होगी कि अखिलेश जी जब लड़ रहे थे तो उनके जितने फाइनेंसर थे उनके घर पे सब पे रेड गिरी थी, मतलब पैसा है ही नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन उनको डराया गया था। तो लोगों में एक माहौल बनाने का जो ट्रिक है वो सिर्फ बीजेपी के पास है। उस ये सब होने के बावजूद यूपी के अंदर कम से कम 4 ट्रक जो दिखाए गए लोगों के पास, मीडिया नहीं दिखा पाएगी क्योंकि मीडिया को भी पूरा कंट्रोल में रखा गया है।
तो वो सब पकड़े जाने के बावजूद भी कोई मुंह नहीं खोल सकता है। तो ये ऐसा है कि लोकशाही में जीना है हमें, तो लोकशाही में जीते हुए लोकशाही के तरीके से अगर इलेक्शन होगा तो वो परफेक्ट होगा और लोगों को न्याय मिलेगी। ये तो ऐसा है कि वो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप पीएम, इतने पीएम के नाम पे इन्होंने कहा कि हमको इतने वोट मिले हैं, तो पंजाब में क्यों पीछे रह गए? दो सीट में, दो सीट थोड़ी मिल सकती है इतने बड़े पंजाब में। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो पहले वाला जो सरकार था कांग्रेस के पहले, उसके साथ में तो जुड़ के इन्होंने सरकार चलाई 5 साल पंजाब के अंदर, और अकाली दल के साथ में 5 साल सरकार चलाई, और 5 साल समझो कांग्रेस चला रही। तो ऐसा तो नहीं है कि जब 5 साल सरकार चलाई और पूरे दिल्ली और हिंदुस्तान में आपने झंडा फड़काया तो पंजाब में क्यों नहीं? तो इसमें हमें डाउट जैसा है कि इनका जो खेल है वो लोगों के दिमाग में नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज़्यादा विरोध अगर किसी ने किया होगा तो पंजाब के किसानों ने किया था। सबसे ज़्यादा अगर ड्रग्स का उद्योग चला पंजाब में जब अकाली दल की सरकार थी, तो पूरा आपने देखा होगा पंजाब के अंदर ड्रग्स का माहौल इतना खतरनाक बन चुका था कि लोग परेशान थे। और आज आपने देखा भी होगा कि पंजाब के अंदर से कम 40-60% हो गया है कि 40% लोग कैंसर के बीमार हो चुके हैं कि ये ड्रग्स के लत से। तो ये सब होने के बावजूद भी 5 साल उनकी सरकार थी, और आज उनको पता है कि यहाँ से उनको कांग्रेस को ख़त्म करना है, तो उन्होंने इजी वे पकड़ा और आपको इंटरनल सपोर्ट दे के आज आपकी सरकार, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 92 सीट आप वहाँ से ले सकती है। तो ये सब खेल जो वो लोग कर रहे हैं, इनका उनका प्लानिंग परफेक्ट है और हर जगह वो बराबर से गेम करते हैं। आपने देखा होगा गोवा में 40 सीट है, 20 सीट पे आके रुके, लोगों को लगेगा अरे यार देखो एक सीट के लिए बीजेपी अटकी है। कुछ अटकी मिटकी नहीं, उनका सब सेटलमेंट रहता है, 4 सीट गोवा वाले का ले लेगा या किसी और का ले लेंगे और बैठ के सरकार बनाएंगे। क्योंकि दिल्ली में बैठ के उनके पास जो चीज़ है उसका पूरा पावर, यहाँ तक कोर्ट को भी वो लोग नचा देते हैं। तो ये सब चलता है तब तक आपको बीजेपी चलती हुई नजर आएगी, लेकिन जब जनता पूरी जागरूक होगी, क्योंकि अभी जनता ने देखा है जो आज पेट्रोल का भाव है $130 बैरल मिल रहा है, कांग्रेस राज था 147 बैरल था, फिर भी कभी 70 तक हम लोग नहीं गए थे पेट्रोल के लिए, और आज 110 के ऊपर पेट्रोल का भाव है। और उस टाइम पे खाली 20 रुपया बढ़ा था तो गैस का बाटला लेके स्मृति ईरानी घूम रही थी कि भाई क्या होगा, लोगों का कैसे जिंदगी जिएंगे। और आज हजार के ऊपर, मतलब 350-400 का बाटला का भाव था, आज 1000 के ऊपर, 1100 के ऊपर बाटले का भाव है। तो ये सब चीज है, इसको सब दबाया जाता है, मीडिया उसको दिखा नहीं पाती है। ये लोकशाही तो चली है, लेकिन जब तक पीएम बीजेपी का रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये लोकशाही चलेगी। क्योंकि लोकशाही जो उसको बोला जाता है कि जो अधिकार लोगों के, वो अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। आप सोचे होंगे कि राहुल गांधी क्यों ठंडा है, लोग बोलते हैं राहुल गांधी ये नहीं कर सकता, राहुल गांधी वो नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी को जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जब पीएम थे, तो 1.5-2 साल के पहले से इन्होंने अन्ना हजारे को लाके दिल्ली में बिठा दिया। केजरीवाल भी साथ में थे, किरण बेदी थी, रामदेव बाबा थे 2 साल तक, और हमने लोकशाही को पाला है। हमने रामदेव के अन्ना हजारों की बात मानी, उन्होंने कहा था कि हम ये लाएंगे, राज्यपाल आना चाहिए, उसके बिना होगा नहीं। अब कहाँ गया वो, जबकि जो लोग उनके साथ थे वो पूरे के पूरे बीजेपी के साथ में है। तो पूरा रोज का खाना खर्चा वहाँ बीजेपी करती थी, और उसी टाइम पे इन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाया, 2 साल से मीडिया वाले को पीछे लगा के पप्पू बनाया। आपने देखा होगा हाउस के अंदर इतना बढ़िया भाषण दिया था राहुल गांधी ने, सिर्फ बाजू के सीट में बैठे हुए हमारे कांग्रेस के खासदार ने बोला बहुत बढ़िया बोल दिया, और एक आग उन्होंने मारी तो मीडिया ने बाकी सब छोड़ दिया, आग को 3 दिन दिखा है। मतलब आप ये सोचो कि आपको जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है।
क्योंकि राहुल गांधी अगर ऐसा करता तो इतना अच्छा भाषण हाउस के अंदर नहीं करता, और अगर भाषण में कुछ खोटी होती तो मीडिया ने दिखाना चाहिए था, मीडिया को पता था कि भाषण बहुत तगड़ा हुआ है, लेकिन एक आग मारी है तो बस वो आग ही उन्होंने 3 दिन तक दिखाई, भाषण को जीरो बना दिया। तो यही हाल हर जगह अभी चल रहा है, और मैं अपनी तरफ से जो मैंने भी 44 ईयर्स राजनीति में निकाला हूँ, भले कांग्रेस का छोटा आदमी हूँ, लेकिन हर चीज़ हम भी समझते हैं कि ये लोकशाही नहीं चल रही है, ये ठोकशाही है, और जब तक ये ठोकशाही रहेगी, आपने देखा होगा अभी गोवा का रिजल्ट लगने के बाद हमारे एक CM फडणवीस जी ने कहा है कि अब हमारा नया टारगेट चालू हो गया मुंबई महानगर पालिका चुनाव का। लेकिन एक बता देता हूँ, यूपी में इन्होंने दादागिरी की, समझ में आता ये महाराष्ट्र है। जैसा आपको पता होगा कि कलकत्ता में ममता बनर्जी ने इनका कुछ चलने नहीं दिया, और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोई आदमी दबने वाला नहीं है। अगर ये यहाँ पे भी अगर यूपी जैसी चालाकी करना चाहेंगे तो उसका जवाब बहुत खतरनाक मिलेगा। और हम आपको बता देते हैं, ये महाविकास आघाड़ी जो है वो ये सब चीज़ को जानती है, तो कोई छुप बैठ के नहीं चलेगा, यहाँ इनको जवाब पक्का जवाब मिलेगा और इनको पता चलेगा कि महाराष्ट्र क्या चीज़ है। सर आपने बहुत अच्छे विषय लिए, लेकिन सर इसमें आप ये कैसे देखते हो कि जैसे योगी जी आने के बाद वहाँ पे गुंडागर्दी खत्म हो गई, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रचार हुआ, और वो मोदी जी कहते हैं कि हम इसके माध्यम से जीत के आए, और ये हमारी सच्ची जीत है कि योगी जी आने के बाद उत्तर प्रदेश का बदलाव हुआ। देखो बदलाव जो हुआ है वो एक साइकोलॉजी ट्रिक थी इनकी, इन्होंने काशी विश्वनाथ जी का जो डेवलपमेंट कॉरिडोर जो बनाया, वो धार्मिक चीजें होना चाहिए, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है राम मंदिर का वो भी बनना चाहिए, कोई भी पार्टी ने उनको कहीं भी विरोध नहीं किया। जब काशी विश्वेश्वर जी का काम चल रहा था, कई लोगों के घर टूटे, कई लोगों का आज भी पेट पानी बंद है, जिनके दुकानें थे ये थे, आज उनके खाने के भी प्रॉब्लम है। तो उसको किसी का, देखो कोई धर्म के लिए कोई भी पार्टी किसी को विरोध नहीं करती है, क्योंकि ये लोकशाही राज है, और हमारे यहाँ जो है सर्व धर्म समभाव वाला हिसाब है, यहाँ हर आदमी अपना समाज का पूजा पाठ कर सकता है, किसी को मंदिर में जाना है मंदिर में जा सकता है, किसी को चर्च में जाना है चर्च में जा सकता है, बौद्ध विहार में जाना है बौद्ध विहार में जा सकता है, जैन को जैन टेम्पल में जाना है जा सकता है, सरदार को अगर गुरुद्वारा में जाना है जा सकता है, मुस्लिम को मस्जिद में जाना है जा सकता है, कोई भी धर्म को यहाँ कोई बंदी नहीं है, ना उनको प्रार्थना करने के लिए बंदी है। लेकिन सर जो रास्ते डेवलपमेंट की बात करते हैं वो थोड़ा बहुत कि उनका भी विषय था, और दूसरी बात ये थी कि जैसे वहाँ पे जो गुंडागर्दी थी वो गुंडे वहाँ से भाग चुके, ऐसी परिस्थिति आज ऐसा है कि योगी जी जो बैठे हैं वो खुद ही जानते हैं गुंडा क्या है और गुंडागर्दी क्या है। तो यूपी में यादव जी का राज था, तो उसके टाइम पे जो कोई थोड़े बहुत उनके जो बाहुबली रहेंगे इन्होंने उनको काम धंधे में लगा दिया, तो ये सब चलते रहेगा। देखो यूपी में अभी भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ठीक है, गडकरी जी का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी जगह रोड के मामले में बहुत तरक्की की है, और अखिलेश जी ने शुरुआत की थी बहुत बड़े बड़े रोड हाईवेज बनाने को, और उसमें गडकरी जी जैसे मंत्री जी के हाथ में रोड का डिपार्टमेंट होने की वजह से उन्होंने और तरक्की की, तो वो तरक्की के लिए देखो हम वेलकम करते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वहाँ के आज भी युवा जो है उनको पेट पानी भरने के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना उनको नौकरी है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ आई है कि जिसके वजह से यूपी का आदमी यूपी छोड़ के बाहर नहीं जावे। तो ये सब जो चीज़ है ये अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन वहाँ ऐसा है कि यूपी एक ऐसी नगरी है कि वहाँ सभी भगवान आपको मिलेंगे, और काशी का नाम सुनने के बाद आपको पता होगा पूरे हिंदुस्तान से आदमी काशी चला जाता है, जैसा हमारे महाराष्ट्र में गोदावरी में चले जाते हैं नासिक, वैसा पूरे हिंदुस्तान के लिए काशी है, काशी तो ये धर्म की बात है और वो होनी भी चाहिए, उसमें किसी का विरोध नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जो लोग आज भी है अगर तकलीफ होती है 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूँ या शक्कर से उनकी लाइफ नहीं बनेगी, उनके परिवार से जो कोई पढ़ा लिखा है उनको उनका जॉब मिलना चाहिए,
उनके लिए स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेज है, ये खुलना चाहिए। ये तो उल्टा होते जा रहा है कि ये जो जो बना है ये लोग बेचने चालू कर दिए हैं। फिर वो रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जो भी आप देखा पोर्ट हो, ये सब बेच रहे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, विश्व गुरु है हमारे पीएम साहब, तो उनको विश्व को दिखाना चाहिए कि अभी जो बना था उसके 100 गुना हम कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसी चीज बननी चाहिए कि जिसका महत्व छोटे से छोटे झोपड़े में रहने वाले आदमी को भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ना कि एक 20-25 करोड़पति को अब्जोपति आप बना रहे, वर्ल्ड के कंपटीशन में भेज रहे कि ये सबसे बड़ा नंबर 1 का करोड़पति बनने वाला है। तो वो ठीक है, उसका भी विरोध नहीं है हमको। और कई लोगों को आप आज भी छोटे मोटे लोगों को बैंक से पैसा लिया तो उसको नोटिस दे के उसके घर को अटैचमेंट करते हो, और कहीं 10-20 लोग ऐसे अब जो रुपया लेके बाहर चले गए और ब्लैक मनी ला रहे, कुछ ला रहे, कुछ भी नहीं है। वो इशू आया तो आप इशू को ट्वीट करते, भावनिक इशू ला के लोगों को काम धंधे में लगाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आपको इतना बड़ा लोकशाही का लोकमत मिला है, 3-4 मेजोरिटी मिली है, तो आपको जो काम करना है वो काम आपको करना चाहिए, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी लोकशाही है हमारी, नंबर 1 पे आना चाहिए। हम सत्ते में कौन है वो नहीं देख रहे, हम हमारे देश के युवक हो या डेवलपमेंट हो और तरक्की हो, इस चीज को हम मानते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि 2-2 बार मोदी साहब को अच्छे मेजोरिटी से लोगों ने चुन के दिया है, तो उनको ये काम करना चाहिए। 7-8 साल हो गए, सिर्फ बात ही चल रही है, कोई तरक्की नहीं हो रही है। अगर तरक्की करना ही है तो ये जो पहले के गवर्नमेंट ने जो कुछ बना के रखा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो या पोर्ट हो, ये सब बेच के क्या फायदा है, इसको डबल करना चाहिए, जिससे कि लोगों को नौकरियां मिलेगी। आज प्राइवेट रेलवे होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आदमी जा रहा है, जो कमाना था वो तो भूल गया, तो कॉन्ट्रैक्ट में तो 2 दिन रखा, तीसरे दिन निकालने का अधिकार भी है। तो लोग डर गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज भी मौका है, 3 साल है इनके पास, केंद्र सरकार के पास, इन्होंने लोगों की भलाई का सोचना चाहिए। जैसे कि डेवलपमेंट रोड बिल्ड का कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करेंगे, वैसे ही वर्ल्ड के अंदर से जो डेवलपमेंट आना है वो इंडिया के अंदर आया नहीं है। हमने अपना जो नया नया नारा दिया है इंडस्ट्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी कोई तरक्की नहीं हुई अभी तक। तो हम चाहते हैं कि मौका मिला है तो कुछ तरक्की करना चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई 5 में से 4 स्टेट उन्होंने जीती है, उनका अभिनंदन भी करता हूं, लेकिन डेवलपमेंट करना चाहिए, इसलिए विनती करता हूं। धन्यवाद। साहब ने बहुत एक मजे की बात कही कि जैसे पंजाब में क्या हुआ कि आप 92 पे चली गई, तो सर आप मानते हैं कि बीजेपी की दूसरी पार्टी है यानी दूसरा गठ है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, क्या है, गट तो नहीं बोल सकता मैं उनको, क्योंकि दूसरा गट उनका MIM है जिसको वो हर जगह यूज कर रहे हैं। हाँ। हैदराबाद छोड़ के MIM हर जगह नजर आ रहा है आपको, ये दूसरा गट नहीं है। लेकिन ये उनको पता है कि अगर यहाँ कांग्रेस आती तो उसको दबाने के लिए उनको तकलीफ होती थी। उनको पता है दिल्ली में बहुत कुछ केजरीवाल ने कहा, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके कोने में उनको दबा के रखा। तो यहाँ पे भी वो इसलिए ला रहे हैं कि इनके ऊपर प्रेशर लाने को उनको टेंशन नहीं आएगी। हाँ, इजी है, क्योंकि इन्होंने जान लगा दी थी, आपको पता होगा, कलकत्ता में ममता बनर्जी को हराने के लिए, क्योंकि उनको पता है ममता बनर्जी को हम दबा नहीं पाएंगे। महाराष्ट्र में भी यही कर रहे हैं, रात दिन वो लोग सोचते हैं कि कल सरकार गिरे और हम आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। बड़े ईडी को भेज रहे हैं, CBI को भेजे, इनकम टैक्स को भेजे, थोड़े लोगों को तकलीफ भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दबने वाले लोग नहीं है। इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा महाराष्ट्र में कि ये सरकार गिरा के हम अपनी सरकार लाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। ये एक सरकार उनको उनका जवाब दे देगी। सर आपने जैसे कहा अभी कि ईडी और जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स है, तो आपको 100% ऐसा लगता है आप ज्येष्ठ नेता हो कांग्रेस के, तो आपको ये लगता है कि कोई पार्टी के बड़े नेता ऐसे काम कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी के पास रेट डालने के लिए? मेरे को एक बताइए, इनके लोगों ने जो लिस्ट बनाई थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की, उसमें कांग्रेस के तो मेरे कोई दिखा नहीं, राष्ट्रवादी के काफी लोगों का लिस्ट इन्होंने बनाया था। वो सब लिस्ट जिसकी जिसकी बनी, जिसको जिसको नोटिस गई, वो सब के सब बीजेपी में चले गए,
उसके बाद ना वो नोटिस आई, नहीं मतलब मैं बोलने का मतलब आपको बता रहा हूँ, ना उनको नोटिस आई, ना उनकी इंक्वायरी हुई, ना वो अरेस्ट हुए। अगर ये सच है तो ये हकीकत है कि इनको जिसको दबाना है उनको ये नोटिस देते हैं और उनको अंदर करते हैं, डराते हैं और सरेंडर होने को लगाते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में जो यूनिटी बनी है वो बढ़िया बनी है और वो एक दूसरे को पूरा सपोर्ट भी देते हैं, तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इनके डर को डर के महाविकास आघाड़ी सरेंडर होगी। लेकिन इनका रोज रात का जो सपना है सुबह हम सीएम बनेंगे, वही लेके चल रहे हैं और उसी के लिए इतना मगजमारी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ईडी की नोटिस दो, सीबीआई को भेजो, इनकम टैक्स को भेजो, ये सब चलते रहेगा। लेकिन यहाँ सरकार 5 साल महाविकास आघाड़ी की रहेगी। हमारे जो माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी है, उन्होंने कहा कि लोगों के पास उत्तर प्रदेश में मणिपुर में जहाँ जो 4 स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की, तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उन्होंने मजबूरी में वोट दिए। आप इसको कैसे देखोगे, क्योंकि आपके ज्येष्ठ नेता है। बता देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी बोले वो कुछ गलत नहीं बोले, हकीकत है। ऑप्शन नहीं मतलब क्या है, देखो अगर हम कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो एक मिनट के लिए भी मीडिया पे नहीं आता है, मतलब लोगों तक वो पहुँचने ही नहीं देते। ये जो लोकशाही है ना, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के ऊपर इतना तगड़ा कंट्रोल है इनका कि मीडिया किसी के बारे में एक वर्ड भी बोलना चाहती है तो वो एक सेकंड गलती से अगर मीडिया ने दिखा दिया तो दूसरे सेकंड में वो बंद हो जाता है। तो ऑप्शन कहाँ से रहेगा? ऑप्शन के लिए मैं अगर खड़ा हूँ तो मेरे अपोजिशन में जो आदमी खड़ा है उसके अच्छे बुरे कुछ तो दिखाना पड़ेगा तुमको। तुम तो कुछ नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ योगी जी को दिखा रहे हो। तो योगी जब दुनिया भर के छोटे बच्चे से ले के 90 साल के उम्र वाले आदमी को भी तुम 24 घंटा योगी जी को ही दिखा रहे हो, योगी जी ने ये किया, योगी जी ने वो किया, लेकिन उसके अगेंस्ट वाला जो है अखिलेश है जो भी हो उनका कुछ भी नहीं दिखा रहे हो आप। वो चिल्लाता है उतना दिखा देते हो, साइड में कर देते हो, तो अपोजिशन रहा कहाँ? सर आप मानते हो कि अखिलेश सिंह जैसे इतना बड़ा नेता कुछ भूल कर जाता है, जैसे जेसीबी का एक विषय उन्होंने लिया था और उस विषय पे आज जो जीत हासिल की, तो सर इसके ऊपर आप कैसे देखते हो, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। मैंने जो आपको बताया वो हकीकत है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाउस के अंदर जो भाषण किया था उसका जवाब आज तक मोदी जी ने नहीं दिया है। एक आंख मारी वो दिखाया, वही वो आया अखिलेश यादव जी से, उन्होंने जेसीबी वाली बात की और उसी को लेके उन्होंने उसको टारगेट बनाया। जो अच्छी बात की थी उसको कोई टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जो हाईवे बनाया था उसके ऊपर भी प्लेन जो गवर्नमेंट का आया था उतारा था एयरपोर्ट जैसा, वो चीज को इन्होंने कभी नहीं दिखाया। तो मेरा ये कहना है कि पूरा कंट्रोल ही उनके पास है, गवर्नमेंट मिशनरी उनके पास है, मीडिया उनके पास है, तो आप क्या दिखाओगे? सर 7 दशक कांग्रेस राज कर चुकी है, सब कुछ बोलते शाम दाम दंड भेद, वो तो कांग्रेस को बहुत नज़दीक से पता होना चाहिए क्योंकि 7 दशक राज किया है। लेकिन सर प्रियंका गांधी जी भी उत्तर प्रदेश में उनका चेहरा नहीं चल पाया, क्या कहेंगे आप, क्योंकि बहुत मेहनत की थी। देखो क्या नहीं चल पाया क्या चला, ये सराउंडिंग सर कहने का मुद्दा यही है कि सर 3 सीट पे ऐसा क्या होता है कि इतना भी नियंत्रण नहीं कांग्रेस के पास की। आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं। अगर अन्ना हजारे ओपोजिशन में बैठता है तो हम उसका सुनने जाते थे, उसको मिलने जाते थे, उसकी बात को एक्सेप्ट करते थे। अब अन्ना हजारे किधर है? एक दिन भी अन्ना हजारे को बोलो दिल्ली में जाके बैठ के बताओ। तो वही हाल है, जो आज प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया था उस नारे को अगर सही ढंग से आप पढ़ोगे तो हंगामा होना चाहिए था यूपी में, लेकिन इन्होंने उसको कहीं भी मीडिया में घूमने नहीं दिया, लिमिट किया और जो कोविड का नाम बोल के उनकी मीटिंग्स बंद करवा दिए, सब हो गया। और जहां जहां तक आपको पता होगा स्मृति ईरानी हाथ धो के पीछे पड़ी थी, कहीं गांवों में तो स्मृति ईरानी को लोगों ने भगाया। तो इसके ऊपर से आप खुद भी स्टडी कीजिए कि प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं गई है, लोगों के दिमाग में है। लेकिन क्या हुआ है ये जब खुलेगा तब लोगों को पता चलेगा कि कांग्रेस क्या है, क्योंकि कांग्रेस लोकशाही को लेकर चलती है, कांग्रेस लोगों के साथ डबल गेम नहीं करती है।
अगर ऐसा होता तो अन्ना हजारे को हम रिस्पेक्ट ही नहीं देते थे। सर आप भी एक कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता हो, सर आपको एक लगता है कि जो हुआ वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस को आगे बहुत बड़ा विचार मंथन करने की जरूरत है? देखो ऐसा है कि कांग्रेस में विचार मंथन होना जरूरी है, उसमें कोई दूजा भाव नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब तक ये सरकार जो बैठी है, ये पीएम बैठे हैं, तब तक वो कांग्रेस को कहीं भी हाथ पैर पसारने को देने वाले नहीं है। आप किसी को भी लेके आओगे ना तो भी रिजल्ट के टाइम पे इनको जो करना है वही काम ये लोग करने वाले, लेकिन इन्होंने जानबूझ के लोगों के माइंड में गांधी परिवार गांधी परिवार गांधी परिवार डाल दिया है, और राहुल गांधी ऐसा मतलब हैमरिंग किया है कि लोगों को लगता है वो अल्टरनेटिव जो सामने होना चाहिए राहुल गांधी नहीं दिख रहा है। ये इन्होंने इतना लोगों के दिमाग में डाला कि कांग्रेस वाले भी बिना सोचे समझे कभी कभी बोल देते हैं, अरे राहुल गांधी पर्याय नहीं है मोदी जी को। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम सही ढंग से उनकी स्टेटमेंट और उनका जो ये सोचोगे देश के बारे में, जो उनकी अच्छी सोच है वो सोचोगे, तो इस देश को राहुल गांधी जैसी की जरूरत है, लेकिन आज लोकशाही नहीं है इसलिए राहुल गांधी आपको नहीं नजर आ रहा है। सर इस चक्र में से बाहर निकलने कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देखो रास्ता कुदरत खुद देती है। ऐसा है कि बीजेपी के पास भी अंग्रेजों का जैसा हिसाब है, मैं महाराष्ट्र का बताता हूँ आपको। अंग्रेज 20% थे, 80% हम लोग थे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी फौज हमारे पुलिस को यूज करके 80% को उन्होंने पॉकेट किया था। वही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के जितने MLA हैं, जितने मंत्री थे, आप उसकी लिस्ट निकालो, सब कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से बीजेपी। अगर वो सब वो घर लौटेंगे ना तो आपको बीजेपी कहीं नजर भी नहीं आएगी, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। सही बात है। सर अभी जैसे महानगर पालिका के चुनाव अभी सामने हैं, तो आज ऐसे आरोप भी लगते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट की राह देखी जा रही थी, अगर वहाँ पर अच्छा रुझान मिल सकता था तो महानगर पालिका डिक्लेयर हो सकती थी, ये आरोप भी महाविकास आघाड़ी पे आज लगते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखो ऐसा कुछ नहीं है, महाविकास आघाड़ी अपने तरीके से चल रही है, क्योंकि क्या होता है कोरोना को पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी ने पाला सही ढंग से उसका पीछा किया या उसके साथ चले वो हिंदुस्तान है। आपने देखा होगा सभी मुख्यमंत्रियों का स्टडी किया गया कोरोना में, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का नाम नंबर 1 पे आया, क्योंकि हम लोगों ने मुंबई शहर को भी बचाया। क्योंकि आज आप कुछ भी बोलो लेकिन इस मुंबई शहर की 125-30 करोड़ का लोक संख्या है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें 1.35 करोड़ लोग खाली मुंबई शहर में, वो भी कम जगह में। तो हमको तो बहुत डर था ये कोविड का कि भाई लोगों की जान, लेकिन हमने उनके जान माल को संभाला, दवा पानी में हर चीज में हम आगे रहे, और उसका नतीजा वर्ल्ड के रिकॉर्ड में भी हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जी का नाम आया। तो ऐसी बात नहीं है, हम सब देख के चलते हैं। आज अगर जो संकट सामने आया है उसी के लिए हम भी चाहते कि थोड़ा लोगों को भी समय मिले और लोगों को भी पता चले कि भाई इलेक्शन आ रहा है, और साथ साथ में आज जो माहौल वो लोग बना रहे हैं OBC का, उस माहौल में ये जानबूझ के आघाड़ी को महाविकास आघाड़ी का नाम बदनाम करने को कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि भाई OBC समाज को न्याय मिलना चाहिए, OBC का पूरा डिक्लेरेशन हो जाए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए कि जिसको सबको न्याय मिले। क्योंकि आज अगर हम चाहे भी ना तो 70% के ऊपर OBC है, आपको पता नहीं हो इस मुंबई शहर के अंदर, मैं खुद OBC समाज से हूँ, 70% के ऊपर लोग आज मुंबई शहर में OBC समाज के हैं। तो हम चाहते हैं कि OBC समाज को न्याय मिले, और OBC समाज डिक्लेयर होने के बाद अगर ये इलेक्शन होता है तो वो लोगों को न्याय मिलेगा। सर लेकिन महाराष्ट्र सरकार, शरद पवार जी है, छगन भुजबल जी हैं, बहुत रोज उनकी चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जब डेटा देने का समय आया तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई, ऐसे आरोप लगे। देखो ऐसा है कि जो डाटा सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो OBC समाज की जो कमेटी है, मागासवर्गीय की जो कमेटी है, उस कमेटी के सिस्टम से उसको पहुंचाना था,
ये डेटा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम के लिए यूज किया था वो उन्होंने हाथ निकाल लिए कि भाई ये डेटा हमारा ओके नहीं है। लेकिन जब तुम अनुदान देने की बात करते हो, पैसा पहुंचाने की बात करते हो, ओबीसी समाज के ऊपर हमने इतना सब मदद की है, तो वो डेटा कैसा यूज किया? फिर वही डेटा को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ना बोल दिया। लेकिन आज महाविकास आघाड़ी 2 या 3 महीने के अंदर वो डेटा बना के दे सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है। सरकार चाहेगी तो 3 महीने में डोर टू डोर सरकारी अधिकारी और जो एनजीओस या जो भी पार्टी के लोग रहेंगे। लेकिन सर आरोप ये भी लगा था कि सरकारी अधिकारी ने कहा कि हम घर घर जाके डेटा नहीं निकाल सकते। तो देखो, सरकारी अधिकारी घर घर जाना ही चाहिए, वो ऐसा था कि कोविड का समय आपको मैं बता देता हूँ, ये लोग उसका ही चांस ले रहे हैं। बार बार आपने देखा होगा देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं सरकार को इंटरेस्ट नहीं है। सरकार को इंटरेस्ट था, लेकिन हमारे अधिकारियों के जान के साथ में हम कितना खेले। अगर आपने देखा होगा आशा ग्रुप जो आशा वर्कर्स, आशा वर्कर का जो ग्रुप था, उन्होंने कोविड के अंदर काफी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप बोलो कि कास्ट का गिनती करने जाओ, ये करने जाओ, तो उनकी जान के साथ में खेलने वाली बात थी। अभी क्या है, अभी महाराष्ट्र का कोविड अभी 0-0 पे आ रहा है, तो अभी 2-3 महीना अगर मिल जाता है महाराष्ट्र को तो हर कास्ट का, क्योंकि देखो ओबीसी में 18-17 मेन कास्ट है, उसके बाद में उनकी भी उप कास्ट है, राइट। तो ये सब डेटा बनाना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन 2-3 महीने के अंदर सरकार वो बना लेगी, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। सर अभी शरद पवार जी ने कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को रोकना होगा तो हमें रणनीति बनानी होगी, तो जैसे उत्तर प्रदेश सिंहासन का सेमीफाइनल कहा जाता है, तो अभी सिंहासन का सेमीफाइनल तो बीजेपी ने जीत लिया है, तो 2024 बीजेपी के लिए बहुत ईजी होगा, आप क्या सोचते हैं? देखो, अगर शरद पवार साहब जैसे जानकार आदमी बोल रहे, मैं तो उनके सामने 1% का भी 1% नहीं हूँ। लेकिन एक चीज है, जब तक ये मशीन बंद नहीं होगी, भले वो नहीं, शरद पवार जी ने कहा कि हमें सब लोगों को मिलके लड़ना पड़ेगा मोदी जी के साथ, तब जाके उनको रोक पाएंगे। देखो, मोदी जी के सामने अगर लड़ना ही है, सब मिलके अगर चलते हैं तो टक्कर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना आपको, महाराष्ट्र के अंदर भी वो 20% ही है, अंग्रेजों के जैसा है। अगर सब हमारे लोग घर वापसी में आ जाते हैं तो हमको लड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये 20% कहीं कोना पकड़ लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अगर पवार साहब चाहेंगे, कांग्रेस वाले चाहेंगे, शिवसेना वाले चाहेंगे, महाविकास आघाड़ी बैठ के अगर घर वापसी करती है तो इनके पास 20% ही आदमी बचेंगे। सही बात, हमने बहुत सारी बात कर ली, देश के बड़े बहुत सारे विषयों की बात कर ली। अभी हम जरूर हमारे अशोक यादव जी के ऊपर आएंगे विषय पे, क्योंकि अशोक यादव जी आप 2 टर्म आमदार रह चुके। सर इतना अच्छा काम करने के बाद, इतना अच्छा नाम होने के बावजूद पिछली विधानसभा आपको हारनी पड़ी, सर इतना क्या विषय, क्योंकि आपका नाम था, आपका काम था। नहीं, हारना नहीं पड़ा, ये ऐसा है कि पूरा 2014 के अंदर जो साइकोलॉजी बनी थी इनकी, तो हमारे जिन लोगों के लिए मैंने 30-35 साल सेवा की थी, उन्हीं लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, इस टाइम पे हमको मोदी को लाना है। और उन्होंने स्पष्ट कहा मुझे, अशोक भाई आप जैसा आदमी तो हमारे पास नहीं है, हमको आपसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन इस टाइम पे हम मोदी जी को मदद करेंगे। और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि किसी को जबरदस्ती प्रेशर करो। हाँ। मैं आज तक जिस एरिया में, फिर वो स्लम हो, बिल्डिंग एरिया हो, मेरे ये JVPD और जो एरिया है वहाँ कोई भी काम, मैं जब से काम कर रहा हूँ ना, रोड, पानी, गटर, कोई चीज, गार्डन, प्लेग्राउंड, कहीं भी मैं, मेरे राज में कोई कब्जा या कुछ करने मैंने नहीं दिया था। जो डेवलपमेंट कर रहा है मैंने करके दिया। एक दिन मेरे से बात हुई थी इनकी कि आप नेहरू नगर में बहुत काम करते हो, तो मैंने उनको कहा कि भाई नेहरू नगर जो है वो आपको लग के एक स्लम है। आपके घर का ड्राइवर नेहरू नगर से आता है, काम झाड़ू वाली भाई नेहरू नगर से आती है, बच्चों को छोड़ने वाला आदमी नेहरू नगर से आता है, आपके फूल, भगवान के फूल पहुंचाने वाला आदमी वहां से आता है, वॉचमैन वहां से आता है। अगर नेहरू नगर में कोई बीमारी फैल गई तो तुम्हारे किचन तक तो आएगा ही बीमारी। अरे बोलता, हमने ये कभी सोचा ही नहीं।
तो क्या है, देखो सोच क्या है ये लोगों को समझना चाहिए। नेहरू नगर अगर तंदुरुस्त है तो जैवी पीढ़ी में कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर तो ये सोच रखना चाहिए कि करोड़पति है तो उसको नहीं देखना चाहिए, नहीं उनका भी काम मैंने किया हूं। फिर वो अमिताभ बच्चन का घर हो या ऋतिक रोशन का हो या अनिल कपूर का हो या हेमा मालिनी का हो, मैंने सबका काम किया हूं, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं। आप किसी से भी स्टेटमेंट ले सकते हो, लेकिन मैंने किसी के ऊपर आज तक जोर जबरदस्ती नहीं की कि मैंने तुम्हारा काम किया तुमको कांग्रेस के वोट देना। मैं सामाजिक काम से राजनीति में आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि हर आदमी अपने दिमाग से काम करे, जो उसको लगता है उसी को वोट करे। लेकिन अभी ऐसा है कि इस हमारे जेवी पीढ़ी में बहुत बड़े बड़े बिल्डर रहते हैं, अभी उनके फोन आते हैं, अशोक भाई आप थे तो आप कभी चाय पीने भी नहीं आए, हम जबरदस्ती आपको लेके जाते थे चाय पियो बोल के, और आज हमारा ही एमएलए रह के हमको क्या क्या दिक्कत है। अगर बोल नहीं पा रहे, बोलेंगे तो कल ईडी की नोटिस भी आ सकती है या हमको हमारी जो बिल्डिंग बनी है डिमोलिशन भी हो सकता है। बरबर सही, तो वो परेशान है लेकिन बता नहीं पाते। और हकीकत यह है कि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये बीजेपी के खिलाफ में आज भी कुछ नहीं बोल सकते। इलेक्शन में तो लोग कभी कभी, आपको बता देता हूँ पर्सनल लेवल पे, मैं बताता हूँ कि मैं कभी किसी के ऑफिस में नहीं गया तो मुझे इलेक्शन का फंड चाहिए, लेकिन हमारे एरिया के विले पार्ले या अंधेरी के लोगों ने मुझे इलेक्शन में भी फंड दिया है, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। तो वो जो चीज़ है ना, जोर जबरदस्ती करके मैंने नहीं की, इसलिए मुझे हारने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और ना कोई डिपार्टमेंट, आपको बता देता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ में मेरा एक लेटर नहीं मिलेगा आपको। फिर वो बीएमसी को ब्लैकमेल करना है, पुलिस वाले को दबाना है, कलेक्टर वाले का कंप्लेंट करना है, मैंने कभी नहीं किया। मैं बैठ के काम करता हूँ और अधिकारियों के साथ में प्यार से। आज तक कोई पुलिस वाला, कोई कलेक्टर वाला, कोई बीएमसी वाला मेरे अगेंस्ट में आपको कोई भी बात नहीं करेगा। ना कोई बिल्डर बोलेगा कि अशोक भाई ने हमारे से कोई पैसे की मांग की थी और नहीं दिया तो हमारा डिमोलिशन किया। अगर वो लिस्ट लेना चाहिए तो विधानसभा में हमारे आमदार ने, अमित साठों ने जो लिस्ट बनाई थी बिल्डरों की, वो किधर गई पूछो, उसके ऊपर कितने एक्शन हुए, अब वो इनके गोद में क्यों आके बैठे, वो भी आप पूछ सकते हो कि उन्होंने एक नवरात्रि चालू की तो एक भी बिल्डर को नहीं छोड़ा है। इन्होंने रुतुम्बरा कॉलेज के यहाँ मैदान में नवरात्रि चालू की, जिन लोगों की राइटिंग में कंप्लेंट की थी उनके सबके बैनर अंदर नवरात्रि में लगे थे, तो वो कल तक कंप्लेंट जिसकी की वो दोस्त कैसे बने इनके। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज जिसको जमता है, मुझे नहीं जमता, नहीं जमता। मैं पहले से ही सोशल फील्ड में हूँ, मैं आया हूँ जब राजनीति में, तब मुझे भी एक मेरे जो गुरु मिले वो सुनील दत्त साहब मिले, अब उनकी उंगली पकड़ के मैं चला हूं, तो मैं कोई ट्रैक बहुत सीधे आदमी थे, नहीं नहीं बहुत सीधे थे, उनका कोई रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा करप्शन का। अब उनकी उंगली पकड़ के मैं चला हूं, मेरे ऊपर अगर जैसा भी ये लोग इधर उधर करते हैं तो कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा ट्रैक छोड़ के नहीं चला हूं और ना चलूंगा। मैंने अपनी लाइफ के 44 ईयर्स राजनीति को दिए, अब मैं चाहता हूं मैं जिस ढंग से चलाऊं रुबाब से, ना मुझे बॉडीगार्ड लगते हैं ना कुछ लगता है। रात को 2 बजे भी अगर कोई मुझे कुपर हॉस्पिटल में आओ बोलेगा तो मैं मेरी गाड़ी चला के वहां जाता हूं, ऐसी बात नहीं है, पुलिस स्टेशन भी जाता हूं। तो मैं एक चीज़ है, गलत काम के लिए नहीं जाता हूं। कोई रेप वाला काम है, किसी का जबरदस्ती कब्जा कोई कर रहा है तो ऐसे लोगों को मैं मतलब मदद नहीं करता हूं। पुलिस को बोलता हूं भाई कानून से जो तुमको बनता है तुम कर लेना, क्योंकि उनका अधिकार मारने का मुझे अधिकार नहीं। तो मैं इसी ढंग से चलाऊं और इसी ढंग से चलूंगा। सर आप ये किस तरह देखते हैं कि जैसे अमित साठम ने जैसे जुहू में जो डेवलपमेंट किया है जो स्वच्छता के बारे में, या और आज के तारीख में 36 गार्डन्स के कुछ ओपनिंग किए हैं, तो वो सब विषय बहुत फ्लैश हो रहे हैं। हाँ फ्लैश हो रहे हैं, उसमें से गिन चुन के 4 या 5 गार्डन उनके हैं, बाकी सब गार्डन मैंने बनाया, सब गार्डन। जू का डेवलपमेंट जो है ना चौपाटी का, हाँ वो भी वहाँ नाम तो लगे अमित साठम ने, वो लगा नहीं तो फंड मेरा है, वहाँ पे भी स्लम के अंदर नेहरू नगर में भी फंड मेरा है, क्योंकि हमने फंड पास किया और आचार संहिता लगी, हम नहीं कर सके और आचार संहिता के बाद में वो चुन के आया, उसको फंड मिला,
रही बात आप जो डेवलपमेंट के बोलते हैं, नया गार्डन दो या चार इन्होंने बनाया, क्योंकि मैं 92 में जब कॉरपोरेटर था तो ये पटेल गार्डन भी मैं बनाया, लल्लूभाई पार्क गार्डन भी मैंने बनाया हूँ। तभी तो अमित साटम कहाँ था पता भी नहीं था, आपको मैं बता देता हूँ। तो जो भी गार्डन आजू बाजू के है, आपको इरला मस्जिद के बाजू में जो गार्डन है वो मैंने बनाया हूँ, जू स्कीम के अंदर 10 नंबर पे जो पुष्पा नरसिंह पार्क है वो मैंने बनाया, जू कोलीवाड़ा के अंदर सुनील दत्त पार्क है वो भी मैंने बनाया, HDFC बैंक है जू वर्सोवा लिंक रोड पे वहाँ पे गार्डन मैंने बनाया, उसके सामने मिलाप के बाजू में मैंने बनाया। मतलब मेरे पास गार्डन की लिस्ट है पूरी, ये ब्रिज के नीचे भी मैंने बनाया हूँ। लेकिन बाद में उसने लाके अपना बोर्ड लगाया और उसकी जो आदत है बहुत खराब आदत है। देखो NOC लाना दो दो साल डेढ़ डेढ़ साल मेहनत करना पड़ता है, फिर उसका फंड प्रोविजन करना मेहनत करना पड़ता है, ये सब मैंने किया। और जैसा वो चुन गया है खाली कलर चेंज किया उसने, फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ। क्यों दुखी नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे पास पूरी फाइल है, अगर कोई वो चैलेंज करे मेरे को बैठ के तो मेरे पास फाइल है कि मैंने क्या क्या पास किया हूँ, कितना फंड लाया हूँ, अगर वो बता देवे आप तो मैं तो बोलता हूँ इसके लिए आप कभी भी आमने सामने बिठा दो, हम बैठने को तैयार हैं। सर एक दूसरी बहुत बड़ी बात है कि आप पिछले कई सालों से लोगों की सेवा करते 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 आज अल्पा जी भी खुद नगर सेवक थी, 5 साल उनकी टर्म पूरी हुई अच्छी तरह से। तो सर अल्पा जी ने जो प्रेजेंटेशन देना चाहिए था तो आप एक गुरु थे समझो, उनके पिताजी तो है बट आशीर्वाद गुरु का भी होता है, तो किस तरह काम हुआ सर विभाग में? अच्छा है, आज अल्पा जी के एरिया में गाँव देवी मंदिर आता है, राइट। वो मंदिर को मैंने इतना डेवलपमेंट 10 करोड़ रुपये पास किया था, नेट जो पत्थर गिरते हैं सब है। आज अल्पा जी के पास भी वही काम था, लेकिन ऐसा है ना कि कॉरपोरेटर और MLA के फंड में फर्क है। और मैं 8 साल तक DPDC का चेयरमैन, स्मॉल कमेटी चेयरमैन का मतलब होता है जो फंड डिवीजन कर रहा है ना वो हम करते थे, और पालक मंत्री बाद में आके उसको ओके करता था। तो हर डिपार्टमेंट को कितना खर्चा आपको पता नहीं होगा, ये कुपर हॉस्पिटल जो बना है उसके लिए 10 साल तक, मैं 15 साल कॉरपोरेटर था, 10 साल तक कभी स्टैंडिंग कमेटी तरफ भी मुंह नहीं किया। मैं हेल्थ कमेटी लिया था, पूरा कुपर चालू करवा के फिर मैंने आराम लिया, वो भी MLA बनने के बाद कुपर का विजिट लगाया कमेटी के थ्रू, उसमें मेरे साथ में वाइकर भी था, आपको बता देता हूँ, वो भी बता सकते हैं आपको, हर चीज़ बना के लिए जो कुपर को चाहिए, आज 5 स्टार जैसा कुपर लग रहा है। सर कारण ये भी लग रहा है कि आपको बता देता हूँ, बारिश में 2005 में जो मुंबई डूब गई थी, मैंने जो पंपिंग सेंटर बनाया इरला पंपिंग सेंटर, उसमें पूरी मेहनत करके उसको बनाया। कुपर का भी ओपनिंग होने के टाइम पे मनीषा मस्कर तो भी IAS ऑफिसर थी और उद्धव जी के हाथ से ओपनिंग हुआ था, उद्धव जी ने भी सामने से कहा कि ये सब काम में यहाँ का पहले के जो MLA अशोक यादव उन्होंने ये सब किया, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो छोड़ दो ये मेट्रो जो बनी है ना वर्सोवा घाटकोपर, हाँ ये जो बनी है वो रुक गई थी, अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाजू में एक मस्जिद है बड़ी, उस मस्जिद के वजह से रुक गई, उन्होंने काफी प्रयत्न किया। उसके बाद में मदान साहब ने खुद मुझे बुला के लिया, JPS मदान, हाँ मदान साहब थे और हमारी मैडम अश्विनी भिड़े मैडम, उनके साथ बेटा उन्होंने कहा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, BMC का भी उनको नवरंग किया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इन्होंने WC की लाइन ही तोड़ दी थी और कॉरपोरेशन वाले मदद नहीं कर रहे थे, मैंने वो भी करा के दिया ये मस्जिद वाले से मीटिंग करके, क्योंकि वो मस्जिद वाले को मैंने एक टाइम मदद की थी, वो बोले अशोक भाई आपने तो हमको मदद की थी, तो मैं बोला अभी आप मुझे मदद कीजिए, ये लोक प्रतिनिधि का काम है। तो उन्होंने अपने हाथ से अपना मीनार तोड़ा और पैसा MMRDA से उनको दिलाया और वो खुद के पैसे से बना के वो ट्रैक पूरा हो गया। तो मदान साहब ने मुझे राइटिंग में लिख के दिया कि आपके वजह से हमारा मेट्रो पूरा हुआ, नहीं तो नहीं होता था। हाँ तो ये चीज है कि एक चीज नहीं है, अभी जो वर्सोवा में अपना डांडा में जो पंपिंग सेंटर है जो कोलीवाड़ा में वो पूरी जगह का सर्वे सब उसका फंड सब मैंने पास करके लिया, और उसका भी उद्घाटन जब कुंटे साहब कमिश्नर थे और उद्धव ठाकरे जी ने किया, अभी मैं कुंटे साहब एक बाजू उनके साथ बैठे उसके बाजू में मैं बैठा था, लेकिन उद्धव जी ने वहां पे भी मेरा थैंक्स किया, मैं आपको बता देता हूँ।
जूहू चौपाटी की जो बात ये लोग कर रहे हैं ना, वो टेंडर मिला था जो बीएससी की बॉडी बनाता है वसई वाला, उसको मिला था, जिसका कचरे से कोई लेना देना नहीं। मैंने उसका टेंडर कैंसिल किया स्टैंडिंग में बैठ के, और गांधी नाम का जो जिसको नॉलेज था कचरे का, उसके बाद मशीन थी कचरा कैसा रेत में से निकालना, उसको लाने के बाद ही ये चौपाटी जो आपको दिख रही है ना, सुबह 6 बजे क्लीन करके लेता था मैं खुद खड़ा रह के, क्योंकि 5:30 बजे से लोग वॉकिंग को आते थे। अभी वो अमित साटम जो बोलना है बोलेगा, वहाँ वर्सोवा में मेरा कोई लेना देना नहीं, उधर उन्होंने कुछ किया होगा, मैं वो क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहां मैं कभी गया, मतलब वो सब चक्कर आपका नहीं लगता, क्योंकि जूहू चौपाटी का जो मेरे पास पार्ला था, हुरिया पार्क तक का जो एरिया था, वहां मैंने करके लिया। सर बहुत बड़ी बात है, अभी आज लोग हारने के बाद या कुछ भी लोक प्रतिनिधि न होने के बाद अपने घर में बैठ जाते हैं, लेकिन अशोक यादव जी हैं आज भी अपने ऑफिस में बैठे हैं। सर आज लोग किस तरह आपके पास आ रहे हैं? एक बात बताना चाहता हूं आपको, 19 में हारने के बाद शाम को 7 बजे मैं यही था मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यकर्ता भी आए थे मिलने, लोग भी जिनका प्रॉब्लम, आज भी कई कई एरिया में लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, आज के हमारे एमएलए को चाली और स्लम बोलेगा तो कैंसर लगता है, तो वो लोग वहाँ तक पहुँचते भी नहीं है, वो लोग आज भी मेरे पास आते हैं और मैं उनका काम करता हूँ। अच्छा, बिल्डिंग वाले का भी फोन आता है कि वो खाली मैसेज डालता है वर्क इन प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस कभी होगा वो नहीं पता है, तो वो भी काम मैं आज भी करता हूँ फॉलोअप करने का, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि किसको क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, ऊपर वाले ने उनको 10 साल चांस दिया, मेरे को दिया था, अभी उनको दिया है, लोग परखेंगे 2024 में उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं चैलेंज से कहता हूं आपको कि उनको जो घमंड है कि हम 20 साल तक हिलेंगे नहीं यहां से, जनता उनको बता देगी 2024 में उनकी औकात क्या है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, मैं जनता से भी कहूंगा कि सचमुच की एक लोक प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जीत हो या हार हो लेकिन लोगों की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो अशोक बाबू यादव जी आज आपके सामने 24 घंटा जब भी आप फ़ोन करो तो उपलब्ध है। बहुत बड़ी बात है सर, आपको भी सैल्यूट है कि एक इसको लोक सेवा कहते हैं कि दिन रात लोगों के लिए हम खड़े रहें। सर आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अल्पा जी तो शायद रहेंगी, उसमें कोई शंका नहीं, उनको तो उम्मीदवारी होंगी, लेकिन आप एक ज्येष्ठ नेता के रूप में महानगर पालिका में रणनीति जो बनानी चाहिए, आप कितने फ्रंट फुट पे आगे रह के सर काम करेंगे? नहीं, ऐसा है कि अभी जो माहौल है हमारा महा विकास आघाड़ी का, उसके बारे में थोड़े से कोई डिसीजन है वो होना है। हमारे जो मुंबई के अध्यक्ष है भाई जगताप जी वो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं, क्या होना है, हमको इंडिपेंडेंट लड़ना है, क्या लड़ना है, और जब ये फाइनल होता है तो उस टाइम पे इनके साथ में मैं पूरी ताकत के साथ में भाई जगताप जी के साथ में रह के जितनी ज़्यादा सीट हम मुंबई शहर के अंदर ला सकते हैं, हमारी तो ये उम्मीद है कि मुंबई का महापौर कांग्रेस के बिना नहीं बने। क्या बात है, और हम कोशिश करके वो उम्मीद भी पूरा करेंगे। तो अशोक बाबू जी ने कहा है कि आने वाली महानगर पालिका में महापौर कांग्रेस का होगा, और ये जज्बा होता है, कभी भी लोक प्रतिनिधि जो होता है लोगों की सेवा करने वाला, वो कभी पीछे नहीं हटता, बस आगे ही बढ़ते रहता है, जैसे अशोक बाबू यादव जी है। अशोक बाबू आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, और आपके आने वाले जीवन में आप सफल रहे अपने कामों में भी और अपने लोगों की सेवा में भी, ऐसे में भगवान से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।